जाने दीजिए, मोहम्मद अली साहब। जी हाँ, मैं कुछ एक पॉइंट सामने रखूंगा और मैं दावा करता हूं कोई भी मेरे आगे काउंटर कर तेरे को, ठीक है। पहली बात, अब जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब है जगदीप धनखड़ साहब, हालांकि जो जो लेफ्ट के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि बिमल बोस साहब ने कि हालांकि वो बीजेपी के आदि नहीं है लेकिन वो ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो उनको पूरा अधिकार बनता है नॉर्थ बंगाल जाए कहीं के भी जाए, उनके साथ में जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं सिर्फ ये उनको शोभा नहीं देता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया था कि वो भ्रष्ट आदमी है कि नहीं है, खैर उसका जवाब तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन जहां पे ममता बनर्जी वो शायद रिफर कर रही थी, ये केस होता है 1996 के हवाला केस का, जब जाके बड़े बड़े नेता के नाम सामने आया था, बाद में रिलीफ मिली थी वो अलग बात है, लेकिन जो नाम सामने आए थे वो बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि एल के अडवाणी का नाम हो गया, मदन लाल खुराना साहब का नाम हो गया, आरिफ मोहम्मद खान साहब का नाम हो गया जो केरला के गवर्नर है, जो उसके बाद माधव राव सिंधे नाम साहब का नाम हो गया जो कांग्रेस के पार्टी थे। ये केस जो हुआ था ये 18 मिलियन डॉलर का स्कैम हुआ था जो कि 133 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में जिसको रिलीफ मिली वो नहीं मिली वो बाद में है, मगर क्या होता था स्कैम से एक नाम एक बार टेंटेड हो जाता है तो उसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे कि वो भ्रष्ट आदमी के नहीं है। जो भाई साहब जो साहब कह रहे थे कि वो चार लोगों को राजभवन नौकरी दिलाई, वो उसके बारे में तो छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बड़ी बड़ी बातें। दूसरी बात, मैं ये भी कहूंगा कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जैसे फर्ज करिए स्कूल हो गया, स्कूल का कैप्टन हो गया, वो पहले एक हाउस में था, रेड हाउस में था, अब उसका ये नहीं है कि वो रेड हाउस को फेवर करेगा या ब्लू हाउस को फेवर करेगा, ना वो ऊपर हो गया, अब अब ऑल हो गया, उसको अभी पूरे स्कूल की देखभाल करनी है। ठीक उसी तरीके से जब आप एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं या गवर्नर बन जाते हैं या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्या रहता है कि एक पार्टी या एक तरह एक इंग्लिश एफिलिएशन रख रहा, ना सबको। नरेंद्र मोदी साहब जब पावर में आए थे उन्होंने क्या कहा था, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, आपने कहा भ्रष्टाचार के आरोपों पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी एक पार्टी के साथ जाते नहीं दिखने चाहिए। रॉय तपन भारती,